हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास पोको का पोको X3 का स्मार्टफोन है तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली पोको X3 डिवाइस के लिए 12.5 का प्योरली एना सॉल्यूशन का अपडेट, जिसके वर्जन के बारे में बात करेंगे तो 12.5.5.0 का स्टेबल अपडेट, जो कि पब्लिकली सभी यूजर्स के लिए रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो 501 MB का अपडेट का साइज़ है। वैसे दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैटरी परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। इवन दोस्तों बात करेंगे, आपको पार्शियली स्क्रीनशॉट का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों मोस्ट अवेटेड फीचर, जो कि आपको स्मार्ट टूलबॉक्स का भी फीचर इनेबल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसी बात पर वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। एंड बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली पोको X3 डिवाइस के लिए 12.5.5.0 का पब्लिकली अपडेट, जो कि सभी यूजर्स के लिए रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको अपने पोको X3 डिवाइस के लिए स्टाइलिश बैक स्क्रीन चाहिए तो मैंने आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जरूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, पोको X3 डिवाइस के यूजर्स, मतलब कि इंडियन यूजर्स एंड ग्लोबल यूजर्स, दोनों ही यूजर्स के लिए देखेंगे 12.5.5.0 का अपडेट यहाँ पे फुल्ली पब्लिकली रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड अपडेट इंस्टॉल करने के बाद अगर हम जाएंगे अबाउट फोन सेक्शन में, सो अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद आपको जो अपडेटर है, सो अपडेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्जन के ऊपर प्योरली एनहांस यहाँ पे मेंशन किया है। एंड व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको वही टिपिकल लाइन देखने को मिल जाती है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। एंड इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वर्जन के बारे में, तो आपको 12.5.5.0 का वर्जन है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको लेटेस्ट जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों ऑल स्पेक में जाने के बाद आपको एक चेंजेस मिल जाएगा। सो ऑल स्पेक में आने के बाद ऊपर के साइड में देखेंगे, आपको यहाँ पे रैम सेक्शन में 6GB प्लस 2GB या फिर 6GB प्लस 1GB ऐसा मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा वेरिएंट है। अगर आपके पास यहाँ पे 128GB का वेरिएंट है तो आपको 2GB का रैम एक्सपेंशन का फीचर मिल जाएगा। एंडोसेस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाएगा। जस्ट आपको मेमोरी एक्सटेंशन को इनेबल करना है एंड डिवाइस को एक बार रिबूट कर लेना है। तो डिवाइस रिबूट करने के बाद आपके फोन में देखेंगे 2GB का रैम एक्सपेंशन का फीचर मिल जाएगा, जो कि आपको ऑल स्पेक के कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले कुछ ऑप्टिमाइजेशन एंड चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, इस अपडेट के बाद आपका फोन थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो चुका है, जैसे कि एप्लीकेशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एनिमेशन काफी स्मूथ हो चुके हैं, एनिमेशन काफी बेटर मिल जाता है। एंड दोस्तों, आपको जो वॉलपेपर जूमिंग के एनिमेशन थे वो तो अभी तक देखने को नहीं मिला है, बट फोन इस अपडेट के बाद आपको लिटिल बिट देखेंगे इंप्रूव्ड एंड ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके बाद दोस्तों रिसेंट पैनल के बारे में बात करेंगे, तो उसका प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता कि कभी भी फिक्स करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिसेंट पैनल में देखेंगे आपको जो फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट्स है उसको जब से रिमूव किया है तब से देखेंगे अभी तक किसी भी अपडेट के बाद इनेबल नहीं है। आप देखेंगे किसी भी टैब के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको स्प्लिट स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ही शॉर्टकट मिल जाता है, कहीं भी आपको फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट देखने को नहीं मिलेगा। इवन दोस्तों बात करेंगे ऊपर के साइड में, मतलब कि लैपटॉप कॉर्नर पे देखेंगे आपको जो फ्लोटिंग विंडो का शॉर्टकट आना चाहिए वो भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट दोस्तों, अगर आपके फोन में ऐसा कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट के बाद आपके फोन में स्मार्ट साइड बार का भी फीचर इनेबल हो जाता है। सो अगर आप होम स्क्रीन से स्वाइप करेंगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस एप्लीकेशन का फ्लोटिंग विंडो या फिर मिनी विंडो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, फ्लोटिंग विंडो के साथ साथ अगर आपको मिनी विंडो में भी कन्वर्ट करना है तो मिनी विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट साइड बार में देखेंगे जितने सारे एप्लीकेशंस अगर आप ऐड करेंगे उन सारे के सारे एप्लीकेशंस को आप ऐसे ही यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो एंड मिनी विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में। स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद आपको जो वीडियो टूलबॉक्स का फीचर उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको स्मार्ट टूलबॉक्स का फीचर मिल जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, ऑलवेज शो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ऑलवेज शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने होम स्क्रीन पर परमानेंटली स्वाइप अप बार मिल जाता है। एंड दोस्तों, पोजीशन सेट कर सकते हैं, मैनेज एप्लीकेशंस में जाने के बाद एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल गेमिंग के लिए देखेंगे गेम्स भी ऐड कर सकते हैं। सो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो मी सिक्योरिटी का एप्लीकेशन है वर्जन 5.6.9 को इंस्टॉल करना है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस अपडेट के बाद आपको जो ग्लांस पर MI का फीचर था वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करता था, जैसे कि दोस्तों कैटेगरी का ऑप्शन गायब हो गया था। एंड मैक्सिमम काफी सारे लोगों के मुझे एक ही कमेंट देखने को
मिलते थे कि जो ग्लांस का फीचर है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है, बट दोस्तों इस अपडेट के बाद आपके फोन में जो ग्लांस का फीचर है वो भी देखेंगे काफी परफेक्टली वर्क करता है। एंड इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले के अंदर जो आपको 120 हर्ट्ज को इनेबल करने के बाद फ्लिकर का इश्यूज देखने को मिलता था एंड जो घोस्ट टचिंग का इश्यूज देखने को मिलता था वो भी देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे परमानेंटली फिक्स किया गया है। काफी सारे लोगों ने देखे यहाँ पे जो ब्राइटनेस का इश्यूज था उसको भी फिक्स नहीं किया है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट देखेंगे आपको 120 हर्ट्ज में जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा लिटिल बिट फिक्स किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगले अमेजिंग फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बैटरी के सेक्शन में बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे मोड ऐड किए गए हैं। बैटरी सेवर के साथ साथ अगर हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी देखेंगे तो आपको दूसरी कैटेगरी में टेम्परेचर एंड कितना चार्ज किया था सभी डिटेल्स आप चेकआउट करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार हमारे फोन में बैटरी सेवर, बैटरी बैलेंस मोड एंड बैटरी परफॉर्मेंस मोड ये जो मोड है कब तक इनेबल्ड हो जाएगा। तो फाइनल इस अपडेट के बाद आपके भी पोको X3 डिवाइस में बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे मोड इनेबल हो चुके हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि अपने फोन की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी लिटिल बिट इंप्रूव करनी है तो आप आसानी से परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस मोड एंड बैलेंस मोड को इनेबल करने के लिए बार बार आपको यहाँ पे सेटिंग में आने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऊपर के साइड में देखेंगे कंट्रोल सेंटर में तो आपको यहाँ पे बैटरी सेवर एंड जो परफॉर्मेंस मोड है उसका टॉगल देखने को मिल जाता है। तो कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद आप आसानी से यहाँ पे बैटरी सेवर एंड जो परफॉर्मेंस मोड है उसको क्विकली इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्टकट है वो भी आपको कंट्रोल सेंटर में ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम जाएंगे यहाँ पे ऐप्स की कैटेगरी में एंड चेक करेंगे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स में, तो अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स में देखेंगे कोई भी आपको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। जैसे कि पोको की टीम ने कहा था कि 12.5 के बाद हम यहाँ पे जो सिस्टम के एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करने का सपोर्ट दे देंगे, बट दोस्तों हालांकि ऐसा कोई भी फीचर वो देने वाले नहीं है। MIUI 13, 14, 15 जो भी आए आपको ऐसा अनइंस्टॉल करने का सपोर्ट कभी भी वो नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों अगले चेंज लॉक फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एडिशनल सेटिंग में मिल जाता है। तो एडिशनल सेटिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है जो कि प्रॉपरली आपके फोन में इनेबल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपको बस ऑप्शन देखने को मिलता था बट इस अपडेट के बाद प्रॉपरली इनेबल हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले सेटिंग चेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे स्पेशल फीचर्स में एंड स्पेशल फीचर्स में आने के बाद जो वीडियो टूलबॉक्स है उसमें आपको स्मार्ट टूलबॉक्स का फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद हम देखेंगे गेम टर्बो, तो गेम टर्बो का जो यूजर इंटरफेस है वो भी आपको चेंज हो जाएगा। जैसे कि लेटेस्ट आपको जो गेम टर्बो 4.0 का लेआउट है एंड उसके जो साउंड इफेक्ट्स है उसके बाद जो एनिमेशन है वो भी आपको इनेबल हो जाएगा। एंड गेम टर्बो में जितने सारे फीचर्स आपको मिलते थे वो पहले से मिल जाते हैं। एंड साइड में देखेंगे अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में देखेंगे अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना तो भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर गेमिंग मोड में जाने के बाद आपको बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे दो मोड मिल जाता है। सो अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव करनी है तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर सकते हैं, बट आपकी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, अगर आपको बैलेंस मोड में खेलना है तो बैलेंस मोड में भी खेल सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको लेटेस्ट यूआई देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपके फोन में पार्शियली स्क्रीनशॉट का भी फीचर इनेबल हो चुका है। जैसे कि 3 फिंगर से देखेंगे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपके फोन में पार्शियली स्क्रीनशॉट का फीचर इनेबल हो जाएगा। जैसे कि स्क्वायर में देखेंगे अगर आपको मैन्युअली कुछ ड्रॉ करना है या फिर सर्कल में कुछ अगर आपको पार्शियली स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड दोस्तों स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद आप देखेंगे नीचे के साइड में अगर आपको क्विकली किसी सोशल मीडिया पे अगर आपको शेयर करना है तो क्विकली यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसा आपको गैलरी में एडिटर मिल जाता है वैसा का वैसा सेम टू सेम आपको एडिटर यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि कलर चेंज कर सकते हैं, पेन पेंसिल का साइज भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, इरेजर भी है, अगर आपको ब्लर करना है तो ब्लर भी कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी एडिट करने के बाद आप क्विकली सेव कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों पार्शियल स्क्रीनशॉट को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है एडिशनल सेटिंग में। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको बटन शॉर्टकट में जाना है। एंड बटन शॉर्टकट में जाने के बाद आपको यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड 3 फिंगर सिलेक्ट किया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बटन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा शॉर्टकट आप सिलेक्ट करेंगे वैसा आप यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फीचर्स एंड यूआई चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा कुछ खास आपको आगे चेंजेस नहीं है। गैलरी में आपको जो भी चेंजेस मिल जाता है सेटिंग में जाने के बाद आपको फिल्टर से वीडियो एडिटिंग उसके बाद फोटो एडिटिंग में देखेंगे कुछ आपको सिलेक्टिव फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों आपको जो पोर्ट्रेट का मीडिया टाइप का फीचर है, एल्बम्स है, ट्रैश बिन, ट्रैश क्लीनर
अंदर ये जो फीचर्स है आपको MIUI 13 की जो APK फाइल है वो इंस्टॉल करने के बाद ही इनेबल्ड हो जाएगा, पर ऑफिशियली गैलरी में अभी तक कोई भी फीचर इनेबल्ड नहीं हो चुका है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसमें आपको इतने ही फीचर मिल जाते हैं 12.5.5.0 के बाद। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।